अभी कितना मिल रहा है अनुदेशक को विक्रम सिंह जी? 9,000 सर। बताइए जी, मान 13 पे जॉइनिंग हुई थी सर और अभी 9,000 मिल रहा है जी। और सर हम उनके इस बयान का स्वागत करते हैं जी, लेकिन स्वागत हम करते हैं, लेकिन सर हमें यदि आप शिक्षक मान रहे हैं तो हमें उसका जो सम्मानजनक है वो भी आप नहीं दे रहे हैं। आप बताइए सर, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, आप लखनऊ हाई कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। सिंगल बेंच इलाहाबाद हम लोग जीत चुके हैं सर, सिंगल बेंच लखनऊ जीत चुके हैं। अभी 2 दिसंबर 2022 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच ने आदेश किया कि हमारा 17,000 का भुगतान किया जाए, लेकिन आज सर 90 दिन पूरा हो गए लेकिन सरकार अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है। हम लोग कई बार सर प्रयास किए, अपना हाईकोर्ट माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश लेकर हम लोग कई बार परियोजना गए, माननीय विजय जी रंगानंद जी से मिले, उनके बाबू से मिले, लेकिन समझ में नहीं आता सरकार करना क्या चाहती है, देना है कि नहीं देना है, कोई बात नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है सर। जबकि 17,000 इस सरकार ने स्वयं पास किया था, आप 19 मई 2017 को भारतीय जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल देखिए सर, उसमें लिखा हुआ है कि अनुदेशकों के अच्छे दिन आ गए, हमारे 17,000 रुपया पास हुए थे भारत सरकार के द्वारा, उसको भी सर अभी तक सरकार नहीं दीजिए दी। जब नहीं दी तब हम लोग हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में भी सिंगल बेंच ने भी 3 जुलाई 2019 को आदेश किया, 20 अगस्त 2019 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इनको 9% ब्याज की दर से इनका 17,000 का भुगतान करिए। सरकार हमको भुगतान नहीं की और उल्टे सरकार डबल बेंच में चली गई। अब आप एक 7,000 पाने वाले से सरकार डबल बेंच में लड़ रही है और हम तो सर इन नौबिहारों का भविष्य बनाने आए हैं, हमको तो इन नौबिहारों को पढ़ा लिखा। ठीक है विक्रम भाई, आपकी पीड़ा हम के साथ है, हम मैं आता हूं दोबारा में आपके पास। सबसे बड़ी करुणापूर्ण स्थिति ये है कि जिसको आप 9,000 रुपया दे रहे हैं, अरे डबल बेंच छोड़ो, उसको मुकदमे में क्या खाएगा, क्या मुकदमा लड़ेगा आदमी।